इस क्रीम को चेहरे के ऊपर लगाई जाओ और अपनी छाइयों को बिल्कुल जड़ से मुकम्मल तौर पर खत्म करते जाओ करते जाओ। छाइयों का मुकम्मल इलाज आ गया आज तो। छाइयों के ऊपर मैं बहुत सा वीडियो बना चुका हूं, बट हर वीडियो में मैंने यही बात आप लोगों को कही है कि जब तक आप धूप से नहीं बच सकते, आप लोगों की स्किन के ऊपर से छाइयां नहीं जा सकती, चाहे आप कोई भी मेडिसिन खा लें, कोई भी ट्रीटमेंट कर लें। तो एक चीज अपने माइंड बिठा लें कि जब भी आप लोगों को छाइयों का ट्रीटमेंट करना है, आप लोगों को धूप से बहुत ज्यादा बचना है। अगर आप लोग अपने फेस के ऊपर जो छाइयां पड़ चुकी हैं उसको लेकर काफी परेशान रहते हैं और इनको आप जल्दी से ठीक करना चाहते हैं, तो मेरी ये वीडियो सिर्फ आज आप लोगों के लिए है। छाइयां लड़कियों के फेस के ऊपर हों या फिर छाइयां लड़कों के फेस के ऊपर, मसला दोनों के लिए बराबर का ही रहता है। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा, इजीली आप लोग इसको फॉलो करके अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। तो कैसे होगा हर चीज आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो फिर देरी किस बात की है, जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे साथ बेल का आइकन आएगा, सिंपली आप लोगों ने बेल पर क्लिक करना, ऊपर ऑल का ऑप्शन आएगा, तो काइंडली आप लोगों ने ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि इसी तरह की फैशन एंड ब्यूटी वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। सिखा चले फिर हम शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बात सुनो, पास आ जाओ। देखो यार, मैं छाइयों के ऊपर ना बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, फिर आप लोग कहोगे भाई कितनी वीडियो दोगे एक टॉपिक के ऊपर, तो यार ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो जो आज चीज बताऊंगा इसको जरूर एक बार फॉलो कर लेना, 3 से 4 दिन के अंदर आपको 100% रिजल्ट आने वाला है। तो कैसे होगा मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, प्लीज कॉपी पेंसिल ले लो, जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से लिख के उसको यूज कर लेना, इंशाल्लाह आप लोग देखोगे आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, ऊपर हाइडिंग दे दो कि सूरज से बचना है मेरे भाई। माइंड जेन में बैठा लो बात एक ये कि आपको सूरज से बचना है, धूप से बचना है, अदरवाइज आप लोगों की छाइयां नहीं जा सकती। अगर आप लोग धूप में जाना है आप लोगों को, तो ठीक है आप जाएं, बट जितना हो सके उससे बच के जाएं। कैसे बचा जा सकता है सूरज से? धूप में जाना है तो स्किन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से वो आपको लास्ट में चीज बताऊंगा, उस चीज को लगा के आप धूप में भी जा सकते हैं, बट फिर भी उससे पहले ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसको आप लोगों ने बनाकर यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप लोगों को एक फॉर्मूला क्रीम परचेज करनी पड़ेगी जिसका नाम है गोल्डन पर। आप लोगों की यार स्किन के ऊपर नुकसान कर देगी ये, स्किन के ऊपर ये कर देगी। मैं देखो मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर क्या हर्ज है भाई यूज करने में? इतना भाई आपको गारंटी वाला पर्सन कहां से मिलेगा? तो आप लोगों को कभी भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप लोगों को ये करना है गोल्डन पर क्रीम की एक डिब्बी परचेज करनी है, और उसमें से जो आधी क्रीम है किसी को दे दे, फेंक दे, कुछ भी कर दे, बट हमें आधी डिब्बी ही चाहिए, ज्यादा डिब्बी नहीं चाहिए। आधी डिब्बी क्रीम के लेने के बाद आपको मेडिकल स्टोर पर जाना है या फिर आप कॉस्मेटिक शॉप, वहां से आपको मिल जाएगी हर्बल फैमिली क्रीम। ये क्रीम खासकर भाई सिर्फ छाइयों के लिए बनाई गई है, दानों के निशानों के लिए बनाई गई है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, पूरी जो क्रीम मिलेगी ना छोटी ट्यूब आपको, वो आपने आधी जो क्रीम हमारे पास पड़ी हुई है ना गोल्डन पर की, उसके अंदर डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है। इन दो चीजों को आपने मिक्स करना है, कोई भी इसके अलावा आप लोगों ने चीज नहीं ऐड करनी। ये मैं आपको अभी भी और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने और कोई चीज इसके अंदर ऐड नहीं करनी, ये बात ध्यान में रखिएगा। दोनों चीजों को मिक्स करने के बाद देखिए मेरे भाई, जब भी आप लोगों को रात को सोना है, ये चीज आपको रात को लगाने पड़ेगी, सुबह यूज नहीं करने, ठीक है? रात को लगाएं और सो जाएं। इफेक्टिव जो है सीजन जो आपका रहेगा वो आपको सर्दियों में ज्यादा फायदा होगा। तो जैसे एग्जांपल, मेरे स्किन के ऊपर छाइयां हैं सिर्फ इस पार्ट के ऊपर, बाकी मेरा फेस बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे थोड़ी सी क्रीम लेनी है और उसके ऊपर इसको रगड़ना नहीं है, सिंपली लेप करके छोड़ देनी है, जस्ट इफेक्टिव एरिया के ऊपर आपको क्रीम लगानी है और फिर आपको सो जाना है, सुबह उठ के फेस को वॉश कर लें। सिंपल इस रूटीन से आप 7 से 8 डेज अगर आप यूज करते हैं, आपको इंशाल्लाह इससे रिजल्ट मिलने वाले और 100% रिजल्ट मिलेंगे, आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, छाइयां फेस के ऊपर नहीं रहेगी। अब बात है भला क्या चीज आप लोगों को बताने की, कि आप लोगों ने किस तरीके से मेरे भाई अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है सूरज से। बट उससे पहले बात सुनो, आप लोगों को शायद ही मेरा फेस नजर आ रहा होगा, यार पसीना से मेरा चेहरा बड़ा हुआ है, देखो यार पसीने से भरा हुआ है। तो किसके लिए सारा कुछ कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक तो यार बनता है, फिर एक वीडियो को लाइक कर दो। अब हम बात करेंगे मेरे भाई सिंपल अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के बारे में। हाँ, अब बारी आ गई। सबसे पहले आप लोगों को कॉस्मेटिक शॉप पर जाना है, वहां से आपको एक सनब्लॉक परचेज करना है। अब सुन के जाइएगा, मार्केट में 60 SPF वाला आपको मिल जाएगा सनब्लॉक, 90 वाला मिल जाएगा, एंड 100 SPF वाला भी मिल जाएगा।
बट आप लोगों को 35 वाला ही लेना है, 35, 30 या 40 तक के रेंज का आपको SPF वाला आपको परचेज करना है। आजकल कंपनी में इतना फ्रॉड चल रहा है कि भाई 100-100 लिख जा रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। अब 100 पे अगर जब आप परचेज करना जाओगे ना SPF 100, तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगा, होता उसमें सेम उस वही प्रकार का उसमें रिजल्ट होता है। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसा करें कि सिर्फ आप SPF 40 या 35 या 30 वाला SPF वाला आप सैमब्लॉक परचेज कर लें, सस्ता वाला। और जब भी आप घर से जाना, एग्जांपल मुझे स्कूल या कॉलेज या किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, तो फेस के ऊपर लगाऊंगा, ठीक है, ब्लाइट सा बिल्कुल जजब करवाऊंगा ताकि नजर ना आए कि कोई क्रीम लगी हुई है, तो फिर मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है आप लोगों ने, ठीक है, ज्यादा नहीं लगाना, फिर वो ऑयली आपकी स्किन हो जाएगी, तो लाइट सा लगाएं। तो फिर वो आपकी जो स्किन है वो एक घंटे के लिए या 40 मिनट के लिए आपकी जो स्किन है वो सूरज से प्रोटेक्ट करेगी, आपकी स्किन के ऊपर इफेक्टिव नहीं होगा सूरज जो है उसकी रेडिएशन वगैरह। तो आप लोग इस चीज़ को जरूर एक बार ट्राई करें, इसको 7 से 8 डेज यूज़ करें, और जितना हो सके धूप से बचें। जो मर्जी आप लोग खा सकते हैं, खाने पीने की कोई लिमिट नहीं है, बट आप लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो करके इन चीज़ों को यूज़ करना है, इंशाल्लाह आप लोगों की जो स्किन है वो क्लियर हो जाएगी। तो गाइस फिर मैं आपके साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कर लीजिएगा, एंड फिर मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।